Visionary Woman KP Vlogs. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. तो आज का जो व्लॉग है वो इंडिपेंडेंस डे के बाद पोस्ट होगा, तो इसीलिए मैं पहले विश कर दूं बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस. तो दुबई में बुर्ज खलीफा में जो हुआ मैंने उसका आपको ग्लिम्स दिखाया. इंडियन एक्सपैट्स इन दुबई करके एक ग्रुप है वेयर आई एम अ मेंबर, तो हम लोगों ने भी मिलके इंडिपेंडेंस डे मनाया बहुत ही छोटी तरीके से. तंबोला खेला, एक डिफरेंट टाइप ऑफ अ तंबोला, उसका एक क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा रही हूँ. एंड ऑफ द मैच हम लोगों ने नेशनल एंथम गाया था, तो उसका एक छोटा सा आपको एक क्लिप बता रही हूँ. बिकॉज इंडिया में ये टाइम पे सब हमारे बिल्डिंग में अच्छा खासा फ्लैग होइस्टिंग एंड वो सब होता था, बट आई डोंट नो इस बार लॉकडाउन में क्या सिचुएशन रहा होगा एंड कोरोना के टाइम पे क्या सिचुएशन रहा होगा, आई एम नॉट श्योर. बट यहाँ पे भी छोटा मोटा जो हमसे हो पाया वो सब हमने किया. एक और शॉकिंग न्यूज आया है इंडिपेंडेंस डे पे, सबके चहेते MS धोनी हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. बिकॉज ऑफ हिम आई वॉज एबल टू सी फ्यू गुड ग्लिम्सेस ऑफ awesome cricket. So he will be missed a lot. He's one of my favorite. Chennai Super Kings is one of my favorite IPL team. So he will be missed. That is there. Everybody is going to miss Dhoni. So आज का जो vlog होने वाला है, I'm going to be reacting to few of my old photos. Childhood, school days, college days, office day. थोड़े बहुत जो भी funny incidents या कोई भी incidents जो हुआ होगा वो photo से related मैं आपसे share करती जाऊँगी. जो भी मुझे मिला, बहुत सारे photos हैं. थोड़ा बहुत जो मैंने रखा है मेरे पास, मैं आपको वो दिखाते जाऊँगी and I will share some of the incidents. So you will get to know more about me as well. काफ़ी सारे memories ताज़ा हो गए when I Independence Day के साथ ही जब हम लोगों ने वो games सब ग्रुप में, तो मुझे भी मेरे पुराने स्कूल डेज कॉलेज डेज में भी हम ये सब करते थे वो सब याद आ गया. तो वैसे आई वॉज गोइंग थ्रू फ्यू ऑफ द फोटोज, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कुछ कुछ मेरे लाइफ के किस्से. जो भी मुझे देख रहा है, अगर मेरे स्कूल से, कॉलेज से या बचपन से कोई कहाँ पे भी हम मिले होंगे, इफ़ यू ऑल आर वॉचिंग मी, अगर ये वीडियो आपको रीच हुआ है प्लीज डू टेल मी अ हाई इन द कॉमेंट सेक्शन. आई वुड बी वेरी हैप्पी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स शूट इन टू द वीडियो. वाला है, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, सब मिक्स्ड है. तो जैसे जैसे मैं देखती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी वो यू नो वट एवर इंसिडेंट्स है जो भी है. तो पहला पिक है ये, जहाँ पे मैं यूनिफॉर्म में खड़ी हूँ, आपको पिक यहाँ पे दिखेगा जहाँ पे मैं यूनिफॉर्म में खड़ी हूँ. ये मस्केट में, मैं एक्चुअली मस्केट में रहती थी. मैंने फर्स्ट टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मस्केट में किया और बीच में KG 1 या KG 2 कोई तो नर्सरी के लिए भी मैं मस्केट में ही गई थी. तो वहाँ पे ये क्लिक ये फ़ोटो क्लिक किया है. सो दिस इज़ दैट. नेक्स्ट फोटो, ये मैं नानी के घर पे रहती थी विथ माई मॉम, तो वो चेंबूर मुंबई में है. सो ये वहाँ पे आई थिंक कोई नवरात्रि या किसी तो फंक्शन के लिए मुझे ये घाघरा पहनाया है. सो आई हैड अ बॉय कट एंड ऑल दैट. सो ये है वो पिक. देन यहाँ पे मुझे टकला कर दिया है और वहाँ वो एक नहाने के लिए टब रखा है, तो वो टब में मुझे नहलाते थे एंड मुझे यहाँ पे टकला किया हुआ है. आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स आई वॉज. तो रैंडमली एक एक पिक आ रहा है. नेक्स्ट, आई वॉज क्राइंग. आई थिंक मुझे वो वॉकर में बैठना नहीं था या सॉरी कियान वहाँ पे आवाज़ कर रहा है. सो यहाँ पे वॉकर में मुझे बिठाया है एंड आई थिंक मुझे उसमें बैठना नहीं था. एंड यहाँ पे मैं छोटी सी थी, आई थिंक 7 or 8 months मे बी. तो ये एक ये भी मैं नानी के घर पर ही थी टिल फर्स्ट स्टैंडर्ड. आई थिंक टिल 5 years मैं नवी ये मुंबई में ही थी. फिर उसके बाद हम लोग मस्केट शिफ्ट हुए और फिर मैंने स्कूलिंग सब मस्केट में किया था. ये मेरा एक MBA का पिक आ गया है. दिस इज़ वन ऑफ माई ग्रुप मेट, तो जो मेरे क्लास में थे, MBA फाइनेंस किया था हम लोगों ने. सो ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड. दिस इज़ फ्रॉम कॉलेज डेज. MBA में हमें ब्लेजर सब पहन के जाना पड़ता था. मैंने MBA पिल्लेस कॉलेज में किया था इन नवी मुंबई. सो ये हमारा यूनिफॉर्म था वहाँ का. देन दिस इज़ अगेन MBA में हमारा एक फंक्शन था कुछ तो, ट्रेडिशनल डे और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर. तो ये उस दिन खींचा गया फोटो है. दिस इज़ वन ऑफ माई पिक जो मैं ऑफिस में थी OSTC करके. आई वॉज वर्किंग इन अ मार्केट रिलेटेड फर्म, तो वहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर्स एंड ऑल रखे हुए पीछे, वो बहुत कुछ मॉनिटर करना पड़ता था. तो ये बीच में एक सेल्फी मैंने खींच लिया था. सो आई यूज टू वेयर स्पेक्स एंड ऑल, लुकिंग स्टूडियस इन दिस, प्रॉपर फॉर्मल्स एंड ऑल डाला हुआ था. देन ये एक पिक ऐसे ही रैंडमली, आई थिंक आई वॉज गोइंग आउट और समथिंग, और ये एक पिक ऐसे ही खींच लिया था.
देन आया, आई वॉज ऑलवेज अ जिम फ्रीक. अभी वो सब नहीं है, यहाँ पे आने के बाद, दुबई में आने के बाद इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है. जब तक आई वॉज इन इंडिया जिमिंग एंड यू नो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थी. तो ये मैं, आई यूज टू ड्राइव एज वेल, तो गाड़ी में बैठ के आई थिंक बिफोर लिविंग फॉर द जिम मैंने एक फ़ोटो खींच लिया था, तो ये वही है. देन ये एक मेरा बेबी पिक आ गया है बीच में ऐसे पोज देते हुए, पता नहीं मैंने कैसे वो पोज दे दिया था. एंड बराबर टाइम पे माय पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स के साथ, जो भी मामा एंड यू नो बहुत सारे मामा लोग, ग्रैंड मदर, मॉम, हम सब चेंबूर में रहते थे, तो कैमरा हमेशा रेडी रहता था. तो काफ़ी सारे मेरे फोटोज ऐसे क्लिक हुए हैं. ये एक और, जब अभी भी मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, आई वॉज इन चेंबूर ओनली, वहाँ पे एक ऐसे फ़ोन पकड़ के, पुराने ज़माने का वो फ़ोन एंड ऑल लेके फ़ोटो खींचा है. आई हैड बॉयकट तभी. योर अगेन आई थिंक 8-9 months अगेन विद अ फोन, आई एम होल्डिंग अ फोन. आई थिंक आई वॉज ऑब्सेस्ड विद दिस फोन, पता नहीं क्यों. तो प्रीवियस फोटो में भी मैं फ़ोन पकड़ रही थी, ये बचपन में भी मैंने फ़ोन पकड़ लिया था. देन ये मेरा एक कॉलेज का फोटो है, ग्रेजुएशन मैंने किया था इन फ्रॉम SIES. जो भी मुंबई से हैं उनको पता होगा SIES नवी मुंबई से मैंने किया था. एक सायन में है SIES और एक नेरुल में है. मैंने ग्रेजुएशन SIES नेरुल से किया था. सो ये कैंटीन के बाहर रहते, दो क्लासेस के बीच में जो ब्रेक होता है वो टाइम पे हमने ऐसे रैंडमली एक फ़ोटो खींचा था. फिर ये ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था फॉर 1 year, बिकॉज मुझे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देना था फॉर MBA, तो एक 1 year का गैप था. तो वो टाइम पे मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था, फैक्ट या गुरुकुल इंडिया लिमिटेड, वहाँ पे आई यूज़ टू टीच तो इंग्लिश एंड फ्रेंच. तो वहाँ पे ये बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था. ये जो पार्टी जैसा एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है, बलून्स एंड ऑल हमने बनाया था. एक्चुअली 3-4 days बिफोर दिस इवेंट वी वर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, हमने सारे स्टूडेंट्स को कॉल लगाया था, बोला ऐसे सैटरडे को इवेंट होने वाला है, ऐसे एक पार्टी होने वाला है, गेट टुगेदर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ब्रांच, तो आप सबको आना है. बट इतना फनी हुआ, सुबह से लेके आई थिंक आफ्टरनून तक वी वर वेटिंग, हमने सब डेकोरेशन किया, केक लिया, समोसा जो भी स्नैक्स देना था सब कुछ लिया. एक स्टूडेंट सिर्फ आया था पूरे बैच में से, मतलब वी हैड सो मेनी स्टूडेंट्स बट ओनली वन स्टूडेंट टर्नड अप फॉर द इवेंट. आई थिंक हिज नेम वाज सुकेश, वो एक फ्रेंच स्टूडेंट था. लास्ट में हम लोग को ही वो मनाना पड़ा, ये सब फोटोज वही है, हमने एंजॉय किया. ओनली द फैकल्टी वॉज देयर टू इन द इवेंट. सो बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था ये, क्वाइट एम्बेरसिंग एज वेल. सो रियली, तो ये सब अगर कोई मुझे ये ग्रुप में से देख रहा है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और आपको जो भी याद है डू लेट मी नो. देन ये एक फोटो खींचा था DY पाटिल स्टेडियम में, IPL देखने के लिए गई थी, कॉलेज के टाइम पे था. तो एयर डेक्कन चार्जेस आई गेस वो उसका था, उसको मैं सपोर्ट कर रही थी तो मैंने वो डाला हुआ था. देन दिस इज अगेन जब मैं फैक्ट में काम करती थी आफ्टर माई ग्रेजुएशन. ये हम लोग एक ट्रिप के लिए गए थे, माथेरान ट्रिप, तो ये उसी का फोटोज है, वाटरफॉल एंड ऑल दैट. यहाँ पे भी एक इंसिडेंट हुआ था, ऐसे ही हम लोग फोटोज खिंचवा रहे थे, एक वाटरफॉल था एंड वहाँ पे एक स्टोन्स एंड ऑल दैट स्टफ था, थोड़ा स्लिपरी एंड ऑल था, बट सबने फोटोज खिंचवाया था, अच्छा खासा फोटो सेशन एंड ऑल हुआ. बट सडनली ऑल हैव गॉन अहेड एंड आई हैव फॉलन डाउन, ठप करके एक साउंड आया और मैं गिर चुकी हूँ. और मुझे बैक पे बहुत जोर से लगा था, लकीली ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट 4-5 days वो बहुत पेन था, बिकॉज गीला भी है प्लेस, प्लस वो पत्थर है एंड ऑल दैट. सो बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था. और ये फर्स्ट टाइम मैं घोड़े पे ऐसे बैठी हूँ ये फोटो में. और ये टाइम पे मैं लेंसेज भी पहनती थी, इसलिए अगर आपको क्लियरली आप देखोगे तो आपको दिखेगा, टर्कोइज ग्रीन कलर का मेरा फेवरेट था, ग्रीन कलर का लेंसेज मैं पहनती थी. सो आई डोंट नो इफ इट्स वेरी क्लियर इन द फोटो. फिर ये एक MBA का पिक है जहाँ पे मैं ब्लेजर सब पहन के बैठी हूँ. सो मोस्टली हमें यही सब पहनना पड़ता था, ये हमारा कोड था, यूनिफॉर्म था, कॉलेज से दिया गया था, दैट रेड कलर स्कार्फ ओवर हियर एंड ऑल्सो, ये हमारा MBA का यूनिफॉर्म था. आई हैव ऑलवेज बीन एन एनिमल लवर, तो जो भी स्ट्रे डॉग्स या जहाँ पे भी मैं डॉग्स को देखती थी, आई यूज टू लाइक यू नो होल्ड देम एंड प्ले विद देम एंड ऑल दैट. सो यही कॉलेज टाइम पे कहीं पे गार्डन में मैंने ये डॉगीज का नाम एलेक्स रखा था, हम लोग उसको एलेक्स करके बुलाते थे हमेशा. आई थिंक 6 साल तक मैं ये गार्डन में जाती थी, Sector 29 वाशी, इफ एनीबडी इज फ्रॉम दैट एरिया लेट मी नो. तो यहाँ पे ये डॉगी हमेशा रहता था, यूज टू नो मी, हम लोग बिस्किट्स देते थे इसको, हम लोग गार्डन की तरफ आते ही भाग भाग के कहाँ पे झाड़ियों में छुपा रहता था, पता नहीं कहाँ से भाग के आ जाता था. तो आई डोंट नो अभी ये कहाँ पे है नहीं है, नो आइडिया. मेरा एक यू नो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था इसके साथ, एक अच्छा बॉन्ड था, एलेक्स था इसका नाम, तो आई हैड फॉरगॉटन अबाउट हिम, बट अभी यू नो रिसेंटली ये सब फोटोज देख के सब याद आ गया.
फिर यहाँ पे आई यूज टू सिंग एंड ऑल दैट. तो ये एक रिकॉर्डिंग के लिए गई थी मैं, नेरुल में एक स्टूडियो था तो वहाँ पे एक फोटो खींचा था ये. फिर यहाँ पे अगेन आई यूज टू डू इवेंट, सिंगिंग इवेंट्स, बैंड में वगैरह मैं गाती थी. तो ये एक इवेंट के पहले खींचा गया एक फोटो है. ये भी एक इवेंट के लिए, आई वाज सिंगिंग आई थिंक इन नेरुल कॉलेज में कहीं पे एक इवेंट था तो वहाँ पे मैं गा रही थी. फिर ये मेरे खुद के कॉलेज का एलेग्रिया करके एक बड़ा इवेंट होता है पिल्लेस कॉलेज का, तो उसमें एक परफॉर्मेंस किया था हमारे बैंड के साथ. आई थिंक बीच में एक स्टाइल आया था, अनुष्का शर्मा हैड स्टार्टेड दैट ट्रेंड ऑफ कटिंग हेयर. ये कौन से मूवी से स्टार्ट हुआ था मुझे याद नहीं, वो फ्रिंजेस का एक यू नो स्टाइल आया था बीच में, तो मैंने भी जाके कटवाया था. आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर, हमेशा आई हैड लॉन्ग हेयर, अभी रिसेंटली मैंने इतना शॉर्ट कट किया है आफ्टर कियान एंड ऑल दैट. मैनेज करना बहुत मुश्किल है, सो आई ऑलवेज हैड दिस काइंड ऑफ अ लेंथ, बट मैंने यहाँ से भी एक ट्रिम कट कर दिया था. देन ये आई थिंक आफ्टर MBA आई वॉज वर्किंग इन वन कंपनी, तभी हम लोग सब मिलके शिमला गए थे, शिमला ट्रिप था. तो वी वेंट टू इवन दिस अमृतसर एंड वाघा बॉर्डर एंड ऑल, तो वहाँ पे हमने ये फोटो खिंचवाया था. तो ये एक पिक है जहाँ पे मैं बैंकॉक गई थी एंड बैंकॉक में ये मुझे ओरंगुटान मिल गया था. अगेन बींग एन एनिमल लवर, फटाफट जाके फोटो सब खिंचवाए, बहुत ही फ्रेंडली फनी ओरंगुटान था, सब अलग अलग पोजेस में वो फोटोज खींच रहा था. दैट वॉज ऑल्सो मेमोरेबल ट्रिप. फिर ये एक स्कूल डेज में ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है मेरा, जहाँ पे मैं सारेगामापा मिडिल ईस्ट मुकाबला में सेलेक्ट हुई थी 2006 में. सो द शूटिंग एंड ऑल वाज हैपनिंग इन दुबई, मैं रहती थी मस्केट में. सो ड्यूरिंग माय 12th बोर्ड ये हुआ था एंड ऑल दैट. तो इसका स्टोरी मैं पूरा नहीं बताऊंगी, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. सो जस्ट इन शॉर्ट मैं बोल दूँ, आई वॉज सेलेक्टेड, आई वॉज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग मस्केट एंड मैं दुबई में गई थी सारेगामापा 2006 में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था एंड टाइम्स ऑफ ओमान, तो ये वही है, एक आर्टिकल है, मेरा फोटो है एंड मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें. देन दिस इज़ माय फैमिली फोटो, जब हम बास्केट में रहते थे एंड ईद हॉलीडेज में हम लोग दुबई आते थे. तो मेरे डैड हैं, मेरी सिस्टर है, मॉम है एंड हम लोग नानी को लेकर आए थे. मेरे मामा जो थे ही वॉज वर्किंग इन मस्केट, तो वो नानी को लेकर आए थे, तो नानी भी है हमारे साथ ये फोटो में, बट दिस वॉज क्लिक्ड इन दुबई. देन ये मेरे स्कूल सॉरी कॉलेज डेज से है, हम लोग IV के लिए गए थे इंडस्ट्रियल विजिट. और ट्राई टू रिकग्नाइज मी एंड लेट मी नो अगर आपको पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ. सो यहाँ पे मैं कहीं पे छुपी हुई हूँ, बहुत ही डिफरेंट मेरा लुक है, बट आपको ढूंढना पड़ेगा. एंड लेट मी नो इफ यू कैन फाइंड मी एंड एनीबडी फ्रॉम माई कॉलेज हु इज वॉचिंग मी, इफ यू रिमेंबर एनीथिंग फनी इंसिडेंट या कुछ भी, आप डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. बट बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था ये सब कॉलेज डेज में, इंडस्ट्रियल विजिट. ये हम गए थे हैदराबाद, तो ये एक ही पिक है, बहुत सारे लोग थे. आई एम सॉरी आई डोंट हैव सबका फोटोज, ये एक फोटो है मेरे पास, बट और कुछ भी नहीं है. आई डोंट हैव एनी मोर फोटोज, दीज आर द ओनली पिक्स दैट आई हैव. सो वेरी नाइस ट्रिप. नाउ द नेक्स्ट फोटो इज विथ माई ओन पेट डॉग ऑस्कर. तो हम लोग गए थे मिनी सीशोर वाशी में, तो ऐसे राउंड मारने के लिए गए थे, तो तभी एक रैंडमली खींचा हुआ फोटो है. अभी वो 13 साल का हो गया है, स्टिल फिट एंड फाइन, बट ये काफी यंग था तभी. सो दिस इज ऑस्कर. ये अगेन मेरे बिल्डिंग में एक और आंटी थी, उनके ऑफिस से एक डॉगी आता था उनको मिलने के लिए, विस्की करके. नाउ ही इज नो मोर, ही वॉज अ गोल्डन रिट्रीवर. तो उसके साथ खींचा गया एक फोटो है वो. फिर हम लोग गए थे शिमला, अगेन शिमला का एक रैंडम पिक आ गया है, पोजिंग एज ए सब यू नो विंटर वेयर सब पहन के एंड ऑल पोजिंग ओवर देयर. ये कॉलेज डेज का एक फोटो है. आई थिंक कॉलेज के बाद मैंने ड्राइविंग इतना सीखा नहीं था, बट हमेशा से आई वॉन्टेड टू ड्राइव. आई यू नो आई टू लव कार्स एंड आई स्टिल लव कार्स एंड आई लव ड्राइविंग. फ्रेंड का गाड़ी ऐसे ही पोज के लिए मैंने यू नो ऐसे ही चलाया, और यू नो ऐसे ही फोटो के लिए, वो एक मन की खुशी के लिए मैंने वो ऐसे फोटो खींच लिया था. बट वो टाइम पे मुझे गाड़ी सब चलाना आता नहीं था. आई जस्ट न्यू हाउ टू स्टार्ट, गो अहेड, टेक रिवर्स. से प्रॉपरली आई नेवर यूज टू ड्राइव, बट लेटर ऑन फिर मैंने खुद की गाड़ी खरीदी एंड यू नो आई यूज टू ड्राइव एंड ऑल दैट. स्कूल का एक फोटो मिला है, ये मेरा एक स्कूल डेज का फोटो है, जहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के बाद जब पूरा ग्रुप फोटो खींचा जाता है. सो ये वही है, हमारे प्रिंसिपल है, क्लास टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है, पूरा क्लासमेट्स है. लास्ट आई थिंक आई विल एंड द वीडियो विद वन ऑफ माई पागलपन जो मैं करती थी, डब स्मैश. अगर आपको किसी को याद है, टिकटॉक एंड ऑल तो अभी आया है, डब स्मैश बहुत पहले से था. वहां पे भी ऐसे ही कुछ यू नो मिमिक्री एंड ऑल मैं करती थी, तो उसका मैं एक क्लिप डाल दूंगी और आई विल एंड माय व्लॉग हियर. तो आप वो क्लिप जरूर देखिए और मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में. आपसे पूछना था, आपसे ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ग्राहक है? ये तो मुफ्त है, क्योंकि चिल्ड्रन नहीं है मेरे पास. डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड एनीबडी हु इज रिलेटेड टू मी हु इज यू नो वॉचिंग दिस वीडियो नाउ, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड से अ हाई. आई विल बी वेरी हैप्पी एंड
ये देखो कियान हाई बोल रहा है. सो आई विल एंड माय वीडियो हियर एंड आई विल सी यू विद अनदर वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.